उसकी बैग पैक हो चुका है और रात को वो भी, तो रात नहीं है ये, सुबह के 5 बजे हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल रेवली एक्सप्रेस। और सब हो रहे हैं तैयार, लेकिन मैं इस बार मैं जल्दी रेडी हो गई क्योंकि मैं सबसे पहले उठी थी, मम्मी के बाद, पहले मम्मी फिर मैं उठ गई थी और सबसे पहले मैं रेडी हो गई, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सब अभी रेडी हो रहे हैं, हम बस निकलने ही वाले हैं, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। और ये सडन प्लान था एकदम, हम खाटू श्याम जाएंगे, बालाजी जाएंगे। सडन नहीं होता, सडन तो बदबू होती है। शट अप। हम जाएंगे बालाजी जाएंगे। सडन नहीं होता, सडन तो बदबू होती है। शट अप। और ये एक छोटा सा मिनी ट्रिप होती है, ये छोटा सा एक मिनी ट्रिप है जो कि आज शुरू होगा और आई थिंक कल खत्म हो जाएगा, कल शाम तक हम वापस घर आ जाएंगे। सो लेट्स गो। गो। अंधेरा सा छट गया था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और इसको तो 1 घंटा नहीं हुआ गाड़ी में बैठे हुए, इसका खाना निकल गया, खाना निकल गया, नहीं भूख लग गई। हाँ मतलब वही, खाना निकल गया, भूख लग गई है। तो हम अब सेकंड स्टॉप है हमारा ये, यहाँ पे हम सीएनजी ले रहे हैं, नीम राणा है ये। तो दिल्ली में 56 है और यहाँ पे 66 है, मतलब 10 रुपए का फर्क है, बट पेट्रोल से तो सस्ती पड़ी जाएगी। तो नीम राणा के बाद वैसे कोई है नहीं, बाकी यही मिलेगा तो हम वो भी बता देंगे आपको। तो अभी हमारी लॉटरी लग चुकी है, लॉटरी इसलिए लगी है क्योंकि हमें एक और सीएनजी पंप मिल गया है जो कि है नीलका में, तो ये लास्ट है, इसके बाद कोई सीएनजी नहीं है। पर काफी ज्यादा मजा आ गया क्योंकि वरना नीम राणा के बाद कोई सीएनजी पंप होता नहीं है वैसे नॉर्मली। इस बार हम आए हैं काफी दिन बाद, वैसे हमें 1 साल हो गया है तो हमें एक और मिल गया है, तो काफी पैसे बच जाएंगे इस चक्कर में। बेटे मौज है ना, एक बॉटल भर के लाई थी चाय और सुबह से चाय में लगी हुई, पूरी खाली कर दी चाय की, पूरी खाली कर दी, जहाँ पे भी गाड़ी जरा सी रुकती चाय खोल के बैठ जाती है। सारी चाय पी जाएंगे अकेले के लिए। नहीं नहीं आप पियो गर्मा गर्म चाय, जहाँ पे भी जरा सी गाड़ी रुकी नहीं मम्मी का थर्मस खुल जाता है। अरे क्यों नहीं बना के नहीं लाई पूरी एक बोतल चाय, मतलब मेरी मम्मी को कितनी भी चाय दे दो उतनी पी लेती है। हेलो चिंकू, ईट वूप। अभी हम उतर गए ब्रेकफास्ट के लिए एंड नजारा कुछ ऐसा है, सामने पुलिस चौकी है और इधर हमें देखने को मिली एक छोटी सी हट थी यहाँ पे, पता नहीं किसकी है ये, बट अब हम यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे एंड एकदम रोड साइड पे है, हमारे लिए टेबल वगैरह सब बिछी हुई है स्पेशली हमारे लिए। हेलो कर दीजिए। हेलो पीपल, खाना खाओ। तो वो पेड़ है जिसमें बैठकर फोटो खिंचवाया था। अरे और ये कुत्ता है ना, ये देखो इसे पहले भी हमें खाना खिलाया था, ये और देखो ये खाने के लिए आ गया है। ये पेड़ है ना, हम डिट्टो आपको दिखाएंगे कि हम फोटो लगा देंगे। हाँ सेम फोटो लगा देंगे कि इसकी साइड में हमने फोटो खिंचाई थी। वो ये वाला पेड़ ना नहीं था शायद, ये वाला था, कोई सा तो था। और ये सामने देखो पुलिस स्टेशन, हमें इसी की पहचान दी कि हमने पुलिस स्टेशन के सामने है ना यहाँ पे खाना खाया था। और ये एस्थेटिक वाइब यहाँ पे, किसे चढ़ेगी यहाँ पे, आईजी के लिए पोस्ट डालनी होती है यहाँ पे बैठ के अपने बढ़िया बढ़िया। हाँ फिर से रिक्रिएट करेंगे उस फोटो को। तू पहले मोटी थी अब, हाँ अब भी हो गई है और ज्यादा। रितु चटिया नहीं जागा, मम्मी कहने लग रही डिट्टो 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 डिट्टो, ए चाल ना छड्डा जाता, मोटी हो रही तू नहीं, तेरे तो भल्या ना जाता है। खींच गया चल, मेरा भी बाल कुछ ज्यादा ही उड़ गए। पापा यहाँ पे कुत्तों को खिला रहे हैं। हमारा खाना पीना हो गया है, अभी हम जा रहे हैं कार में बैठने, कार में अभी ड्रिंकू पे लंच ब्रेकफास्ट ब्रंच हो रहा था, ब्रंच हो रहा था, हो गया है जो कि। और ये हमारी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये मम्मी को पार्टी करती रहती है हमेशा जब देखो। चलो मिलते हैं बाद में।
अभी हम रिंगस पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से निशान उठा के जाते हैं डांस करते हुए एकदम। कार हमें पार्किंग में लगा दी है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज, बहुत ज्यादा। आज वो है ना, क्या बोलते उसको, ग्यारस, हाँ एकादशी, एकादशी उस दिन यहाँ पे आज के दिन आने का शुभ माना जाता है। अभी इसको पानी पिलाया है, ये रोके दिया, रोने वाले, भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है इसके लिए, अभी पानी की बोतल ली है, पानी पीना है। और अश्वन धार वहां रखोगे बाबा, हारों की अश्वन धार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा बढ़ जाएगा सरकार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा बढ़ जाएगा सरकार। ओ कहां रखोगे बाबा हारों की अश्वन धार, कहाँ रखोगे बाबा हारों की अश्वन धार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा पड़ जाएगा सरकार। अभी हम दर्शन करके आए हैं, 11:30 बजे लाइन में लगे थे और टाइम हो गया है अभी 4 बज गए, तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करके, मतलब 4-5 घंटे में दर्शन नंबर आया हमारा, बहुत ज्यादा भीड़ है आज, मुझे भूख लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं श्याम कुंड, तो चलते हैं। अश्वन की धारा कभी रुकती नहीं है, हारों की आंखें कभी थकती नहीं है, अश्वन की धारा कभी रुकती नहीं है, उनकी पलकों में तो सावन है कई हजार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा पड़ जाएगा सरकार। ओ रखोगे बाबा, तू ही जाने, तू ही तो सुन ले बाबा
हारों की करुण पुकार, तुम्ही तो सुनते बाबा हारों की करुण पुकार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा पड़ जाएगा सरकार, तेरा श्याम कुंड भी छोटा पड़ जाएगा सरकार। दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं श्याम कुंड पे, यहाँ पे अभी हम श्याम कुंड पे बैठे हैं, इसमें पानी नहीं है, मतलब पानी वो ढक रखा है, ढक रखा है बस, इसे देख सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। कुछ ऐसा हिस्सा इसकी हिस्ट्री सामने लिखी हुई है, शायद सामने हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो श्याम जी का जो सर है वो वहाँ से प्रकट हुआ था, ऐसा कुछ था। मैं प्रकट हुआ हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे दर्शन दिए थे निकले थे। हाँ हाँ तो भाई भाई बड़ा खाया जा रहा है, दही बड़े, जगह नहीं मिली तो यहीं बैठ गए। तो अब हम आ गए हैं दर्शन वगैरह करके और पार्किंग में आ गए हम, अब हम बैठ के जाएंगे कहाँ पर साला सर। यस, अब हमने सोचा था कि आज यहाँ पे रुकेंगे एंड आज की रात यहाँ पे रुकेंगे और कल साला सर जाएंगे, बट प्लान में चेंज आ गया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से तो हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे स्टे ना करके हम अब सालासर जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे एंड यही अभी का प्लान है। इसकी भी आँख में मच्छर घुस गया, काफी सारे मच्छर हैं छोटे छोटे। अभी पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हैं और बैठ के चलते हैं। ओके सी यू। ले तो अभी हम जा रहे हैं तोरण द्वार के सामने, वहाँ पे सेल्फी लेंगे जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी को चाहिए सेल्फी। तो हम आ गए तोरण द्वार पे, इंडिया गेट ऑफ खाटू श्याम, इंडिया गेट ऑफ खाटू श्याम, इंडिया गेट ऑफ खाटू श्याम। इसके अंदर घुस के और खाटू श्याम में प्रवेश हो जाता है और यहाँ पे ढोल बोल के साथ जो निशान लेके आते हैं वो यहीं पे थोड़ा मनोरंजन करते हैं, अपना डांस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पे जो निशान लेके आते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ढोल दिखाते हैं। ओके ढोल देखेंगे, चलो चलो डांस दिखाते हैं हम आपको, ढोल डांस एवरीथिंग। हाँ भैया ढोल वाली है नाच तो रानी है, कोई होली भी खेलते हैं और ये के साथ आए हैं, ये सबकी सेम ड्रेस। वैसे मैं जाऊंगा दर्जी को देने के लिए, है ना। अभी तो ट्रेजेडी हो गई है, हमारी कार हमने यहीं पे पार्क करी थी और वो पुलिस वाले लेके चले गए,
तो मैं कह सकती हूँ सरकारी काम जो सबसे ज्यादा फास्ट होता है वो होता है गाड़ी उठवाने का। हाँ, और कोई काम हमें 10 मिनट लगे होंगे वहाँ पे, 10 मिनट में वापस आ गए हैं और 10 मिनट में गायब है गाड़ी। फोटो क्लिक करके वापस आ रहे, गाड़ी दिख नहीं रही है, अब देखते हैं। और बड़ी खुशी से वो उठाने वाले कह रहे वहाँ है, वहाँ से करवाएंगे। नगर पालिका पार्किंग में चली गई हमारी कार, अब वहाँ से हमें लेके आनी है, देखते हैं भैया हमारी पार्किंग का खर्चा हो जाएगा। अब कितनी पार्किंग लगेगी हमारी वहाँ पे। 10 मिनट की फोटो शूट कितना भारी पड़ेगा। अभी पापा आ गए हैं अंदर, बात कर रहे हैं उनसे, हमें बाहर अंदर नहीं जाने दे रहे। पापा बात करने गए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कार मिली है, 500 रुपए पार्किंग का कट गए हमारे। अभी मैंने देखा कि पापा ने 500 रुपए दिए हैं उनको, 500 रुपए में पार्किंग पड़ गई हमें। ये देखिए 500 रुपए की पर्ची कट गई है, 500 रुपए का कोई नहीं, जो होता है वो होना ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। पता नहीं क्या अच्छा छुपाता है इसमें, हमें नहीं पता। बटरफ्लाई इफेक्ट। तो अभी हम निकल चुके हैं खाटू श्याम से और अभी हम जा रहे हैं सालासर। बीच में हमने सोचा था कि हम कौन सा मंदिर, जीन माता मंदिर जाएंगे, बट अभी शायद ना भी जा पाए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो अभी चल रहे हैं हम सालासर, दर्शन करेंगे शाम को, सुबह आरती में शामिल होंगे, फिर उसके बाद कल का प्लान देखते हैं। कल एक दो मंदिर में और जाएंगे, वहाँ आसपास जो हैं सानन माता मंदिर और रानी सती मंदिर रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। यस, तो यही प्लान है। अब ओके, लेट्स सी यू आफ्टर सम टाइम।